हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियरविल IAS। तो रिसेंटली आप लोगों ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। चीन की चालाकियों को नाकाम करने के लिए मोदी गवर्नमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC पर बसे गांवों को तकनीकी तौर पर विकसित करने पर काम कर रही है। इसके लिए एक खास प्लान भी तैयार किया गया है जिसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहा जा रहा है। लेकिन ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है और इसके जरिए भारत सरकार का मकसद क्या है, चलिए आपको बताते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की घोषणा की गई थी। हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांव किबितू में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक लागू किया जाएगा। इस योजना पर 2022 से 2026 तक 4800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 4800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन में से 2500 करोड़ रुपए का उपयोग सड़कों के लिए किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चीन सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांव की व्यापक विकास के लिए पहचान की गई है। कार्यक्रम के पहले चरण में 46 ब्लॉक्स में 662 गांव की लगभग 1,42,000 की आबादी को कवर किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के द्वारा जिन प्रमुख उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया गया है उनमें सभी मौसम अनुकूल सड़क, पेयजल, 24/7 सौर तथा पवन ऊर्जा पर केंद्रित विद्युत आपूर्ति, मोबाइल तथा इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटक केंद्र, बहुउद्देशीय सेंटर तथा स्वास्थ्य एवं वेलनेस सेंटर शामिल हैं। तो चलिए अब हम लोग वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के उद्देश्यों के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गाँव में स्थानीय प्राकृतिक, मानव और अन्य संसाधनों के आधार पर आर्थिक प्रेरकों की पहचान और विकास करना, LAC के समीप स्थित गांव में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, सामाजिक उद्यमिता प्रोत्साहन, कौशल विकास तथा उद्यमिता के माध्यम से युवाओं व महिलाओं को सशक्त बनाकर हब एंड स्पोक मॉडल पर विकास केंद्रों को विकसित करना, स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक ज्ञान और विरासत प्रोत्साहन के माध्यम से पर्यटन क्षमता का लाभ उठाना, समुदाय आधारित संगठनों, सहकारिता, SHG, NGO के माध्यम से एक गांव एक उत्पाद की अवधारणा पर स्थायी इको एग्री बिजनेस का विकास करना। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।